नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से उमेश राजन आप सबका अभिवादन करता हूँ। जिस तरह से लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, पर चंचला होने से भरोसे के काबिल नहीं है। क्या पता आज हमारे घर है, कल न भी हो। उसी तरह गुस्सा करने वाला व्यक्ति भले ही गुस्सा करने के काबिल हो, पर जिस समय उस पर क्रोध सवार होता है, वह प्यार करने के काबिल नहीं होता। फर्ज करिए आपकी पत्नी आपको बहुत चाहती है, पर जिस समय आप बहुत तेज गुस्सा करते हैं, वह आपको देखना पसंद नहीं करती। ऐसा करके घूर घूर के देखेगी आपको और आपके बाजू से निकल जाएगी, पर आपको देखना पसंद नहीं करेगी। यदि आपके चाय का टाइम हो गया है तो चाय का कप आपके सामने रखेगी और तेज आंख बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे घूर के देखेगी और चुपचाप आपके सामने से निकल जाएगी। गुस्सा जब हम करते हैं किसी को अच्छे नहीं लगते। फर्ज करिए आपके घर पर एक बेटा है, जब आप दुकान से आते हैं तो वह आपको बोलता है हेलो पापा। यदि आप उसके लिए कुछ खाने का लाते हैं तो बोलता है पापा आज कुछ लाए क्या। लेकिन किसी दिन आपने दुकान जाने के लिए घर से निकलते समय गुस्से गुस्से में उसे एक चाटा मार दिया। जब आप दुकान से घर लौटते हैं तो जैसे ही वो आपको देखता है तो वो आपको बोलता है क्या हेलो पापा। वो आपको बोलता है क्या पापा आज कुछ लाए क्या, ऐसा बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलता। वो आपको गुस्से से घूर कर देखता है, आंख से आंख मिलाकर देखता है और फिर अपने काम से लग जाता है। जब हम अपने गुस्से में असंतुलन का परिचय देते हैं, जब हम अपने व्यवहार में असंतुलन का परिचय देते हैं, पूरा घर अशांत हो जाता है। फिर जब पत्नी गुस्सा करती है तो उसका गुस्सा आपको तकलीफ देने लगता है। जब वो बर्तन धोती है तो इतने इतने बर्तन को ऐसा पटक पटक के धोती है कि ऐसा लगता है कि जो स्टील के बर्तन है उसके तो लाज रह जाएगी, लेकिन जो कप वगैरह हैं उसका तो टूटना तय है। अगर वो कपड़े धो रही है तो ऐसे पटक पटक के धोती है कि लगता है कि एक दो कपड़ा तो आज फटेगा ही। इस तरह मेरे दोस्तों, गुस्सा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही शांति प्रिय है। जब हम असहज हो जाते हैं तब गुस्सा आता है। यदि आप अपनी मानसिकता बदल दें तो गुस्सा अपनी ट्रैक चेंज कर सकता है। जैसे सुबह नींद खुलते ही आप कोई सुरीला संगीत, कोई पसंदीदा गीत सुन लीजिए, वो दिन भर आपको तरोताजा रखेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको खाने में कोई बहुत अच्छा आइटम पसंद है और उसे यदि छोड़ दें तो इससे भी गुस्सा कम करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा आइटम का मतलब फल से नहीं है, कोई मीठा आइटम या नमकीन आइटम से है, तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इससे भी गुस्सा कम करने में मदद मिलती है। ये यदि आपको कोई हॉबी है जैसे पेंटिंग, डिजाइनिंग, शेरो शायरी, गीत संगीत, जैसा कुछ आपको अच्छा लगता है, तो रोज इसमें थोड़ी देर टाइम दीजिए। यू हैव टू बी क्रिएटिव फॉर क्रिएटिविटी। मेरा विश्वास मानिए, इससे आप शांत स्वभाव के तो हो ही जाएंगे, आपको जिस तेजी से गुस्सा आता है फिर नहीं आएगा। नमस्कार।